प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरोजगार योजना के तहत प्रदर्शनी समूह महिला एवं बाल विकास संस्थान फिरोजाबाद जिले में प्रदीप नारायण वर्मा के प्रांगण नंदपुर गांव में सूचना उद्यमिता विकास कार्यक्रम गिलास आर्टिफिशियल का 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। जिले के एनजीओ अध्यक्ष रामवीर सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राकेश राजपूत, कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार, आर्टिस्ट रूप सिंह जी के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं घर का कार्य करने के बाद 300 से 400 रुपए की इनकम भी घर बैठे कर सकती हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह देखने को मिला। नाम क्या सर आप? राकेश पाल सिंह जी। सर थोड़ा सा हमें समझाएंगे सर, ये किस चीज का प्रशिक्षण चल रहा है? ये उद्यमिता विकास है जी सर। जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं काम करती हैं या स्वयं सहायता समूह को चला रही है, इनका संचालन कर रही है जी, उन महिलाओं का उद्यमिता विकास, इनको स्वरोजगार के लिए, स्वतः रोजगार के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें हम ODOP के अंतर्गत जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कांच का काम, कांच का झाल झूमर जैसे प्रोडक्ट को बनाना सिखा रहे हैं जी, जिससे ये आत्मनिर्भर हो सके। ठीक, तो क्षेत्रों में भी चल रहा है। एक्चुअली अभी हमारा दारापुर मिलावली में चला था, वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिक भौगोलिक स्थिति के आधार पर जी। वहाँ पे बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन के लिए जी कार्यक्रम चलाया गया था और वहाँ की महिलाओं का हमारा पता रहेगा MEDP, ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया गया था जो नाबार्ड के माध्यम से फंडिंग है, जिसकी नाबार्ड से फंडिंग। और ये सर, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, थोड़ा सा हमें क्या इनके बारे में जानकारी देंगे जी? ये एक्चुअली कच्चा माल ये होता है, इसके साथ में इसमें जो लगाने वाले जो स्टिकर्स जी जो उपलब्ध होते हैं, ये हमें हमारे फिरोजाबाद से उपलब्ध हो जाते हैं जी सर। इसको हम यहाँ पे आसानी से एक विशेष डिजाइन, जो महिलाएं अपने स्तर से डिजाइनों को डेवलप करती हैं, ये स्वतः रोजगार के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार दिया जा रहा है जी। जो कि नाबार्ड की तरफ से है और जिसके जो NGO के अध्यक्ष हैं वो रामजी सर हैं जी, जो उनके द्वारा इस गांव, ये गांव नंदपुर विकासखंड अराव में ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इसमें क्या है कि महिलाओं को जो समूह से, जो महिलाएँ जुड़ी हैं स्वयं सहायता समूह से, उनको क्या है कि काम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं और वो अपना अपने घर पर ही काम शुरू कर सकती हैं। आज का जो ट्रेनिंग है वो कांच का, जो आपको बताया ग्लास आर्ट का काम है, इसमें कांच का सामान बनता है, उस पर डिजाइनिंग की जाती है, जैसे झूमर वगैरह, ज्वेलरी। इसमें क्या है कि डिजाइन वगैरह भर के उस पर पुट्टी वगैरह करके इसको आर्टिफिशियल बनाते हैं जी, जिसमें क्या है कि ये मार्केटिंग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का मार्केट में वैल्यू है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल है और मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी है, ये घरों में काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है। और जो घर पे महिलाएं जो फ्री रहती हैं, मतलब बिना कोई काम नहीं करती हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।